Hello everyone, welcome to FM Adventure. This is Twinkle Sony again. आज फिर से solution in colligative part 4 का वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना? कल जैसे हमने बात की थी molarity के बारे में, कल बात की थी molarity के तीन cases आपको मैंने सिखाए थे, molarity भी बताई थी कि क्या होती है और बताया था कि molarity कैसे-कैसे change हो सकती है. तो हमने सबसे पहले देखा था कि molarity क्या होती है. तो molarity is nothing but a kind a type जिससे हम measure कर सकते हैं concentration, यानी कितना amount of solute हमने लिया हुआ है solution के अंदर या solvent के अंदर, ठीक है ना? So molarity का formula सीधा सा मैंने आपको समझाया था, it was number of moles of solute taken in per liter of the solution. So it was nothing but mole of solute upon volume of solution. फिर molarity कैसे change हो रही थी, तो तीन तरीके से change हो रही थी. पहला, या तो मैं solute add कर दूँ solution के अंदर, उससे molarity change हो जाएगी, concentrate हो जाएगा solution. दूसरा, या तो मैं water add कर दूँ या solvent जो भी मैंने ले रखा है, मैं उस solvent को add कर दूँगी, तो उस तरीके से भी change हो सकती है molarity. तीसरा तरीका जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं क्या ऐड कर दूं, तो मैं ऐड कर सकती हूँ दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मैं मिक्स कर सकती हूँ, उससे भी मोलारिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? सो इन तीनों के ऊपर, वैसे पहले दो के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कल करके दिखाए थे, तीसरे के ऊपर मुझे आज क्वेश्चन करने थे, थर्ड केस के ऊपर, और दूसरा मुझे और भी मोलारिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आज करके बताने हैं. जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में जाने के बाद या कोई भी सॉल्वेंट में जाने के बाद अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, आयन्स प्रोड्यूस कर देते हैं. तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो भी मैं वो कैलकुलेट कर सकती हूँ. आपने ये चीज की होगी कैलकुलेट, आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आप लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, सॉरी, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है ऑलरेडी तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये चीज़ सीखी होगी. वेल, यहाँ पे मैं एक बार फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो आज के वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं क्वेश्चंस पे ही, ठीक है? आई होप चीज़ें आपको विजिबल होगी, सही है, इज इट करेक्ट? सो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर लेती हूँ एक क्वेश्चन. जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास निकालना है मुझे इन, सिंपल क्वेश्चन है ये, 500 ml सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ इट. ओके, इट्स वेरी सिंपल. अगेन सेंटीमोलर का यूज मैंने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन करने के पीछे एक बेसिक, मतलब एक सिंपल रीजन ये है कि बहुत बार ना ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह फैंसी वर्ड्स को यूज कर दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्स में, और बच्चे बेचारे भोले होते हैं, मासूम होते हैं, ये फैंसी वर्ड से डर जाते हैं और फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ सेंटीमोलर, तो अगर आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैंने वहां पे चीजों को क्लियर किया था. आज फिर यहाँ पे क्लियर करती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट मुझसे नहीं पढ़ा. अगर मैं सेंटी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेंटी इस वर्ड का मतलब होता है, सेंटी इस वर्ड का मतलब होता है 10^-2. वैसे ही डेसी होता है हमारा 10^-1. बहुत जगह हम लोग मिली यूज कर लेते हैं, इट इज 10^-3. बहुत जगह हम लोग माइक्रो यूज कर लेते हैं, इट इज 10^-6. बहुत जगह नैनो यूज करते हैं, इट इज 10^-9. बहुत जगह हम लोग एमस्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, इट इज 10^-10. वैसे ही पीको यूज करते हैं, इट इज 10^-12. और ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं फैशन वाले वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में वो यूज आते हैं, बट बच्चे इनको समझ नहीं पाते और क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है ना? सो वैसे ही यहाँ पे देखो मुझे दिया हुआ है सेंटीमोलर. सेंटीमोलर का क्या मतलब है? यहाँ पे एक्चुअली मुझे दी हुई है मोलारिटी. कितनी दी हुई है? तो सेंटी दी हुई है, यानी मुझे सिंपल मोलारिटी दी हुई है. सेंटी का मतलब देखेंगे वहां से कितना, 10^-2 मोलर, यानी मुझे मोलारिटी दी हुई है 10^-2 मोलर. और मुझे साथ ही में दिया हुआ है यहाँ पे क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 500 ml, यानी आधा लीटर दिया हुआ है, ठीक है? सो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मास किसका, यूरिया का. यूरिया हमारा सॉल्यूट है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है भाई, मोलारिटी है, वॉल्यूम है, सिंपल है. मोल निकाल सकते हो आप, इट इज मोलारिटी इंटू वॉल्यूम,
है ना, और इससे आ जाएगा मेरा 10 की पावर माइनस 2, वॉल्यूम मैंने लीटर में लेना है हमेशा, सो इट इज 0.5, सो मेरा आ गया 5 × 10⁻⁴ देखेंगे आप माइनस 3, ये आ चुका है मोल, ये किसका मोल आ चुका है भाई, सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है मेरा, यूरिया, उसका मोल आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं सिंपल मास निकाल सकती हूँ यहाँ से यूरिया का, तो मास ऑफ यूरिया आ जाएगा मोल ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई बाय GMM या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया विच इज 60, बता रखा था यूरिया का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो वो सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इस तरीके का ये होता है हमारा यूरिया। आप नाइट्रोजन का GMM लेंगे 14 होता है, कार्बन का लेंगे 12 होता है, ऑक्सीजन का लेंगे 16 होता है, हाइड्रोजन का लेंगे 1 होता है। आप सम करें इन सभी को, ठीक है, और उससे निकल के आएगा आपका GMM। उसके बाद अगर मैं मास निकालूं तो वो आ जाएगा मोल 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना। 6 × 5 कितना हो जाता है, 5 × 6 = 30 हो जाता है, 30 एक जीरो यहाँ गया, 10⁻³ आप देख लेंगे 0.3 ग्राम, ये निकल के आ गया हमारा मास, ठीक है। सो So, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करती हूँ, है ना। ऐसे ही कई बारी बच्चों एक बहुत ही सिंपल, अगेन बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज है, बहुत बार ना हमें मोलारिटी ऑफ वाटर निकालने बोलता है, क्या निकालने बोल देता है, मोलारिटी ऑफ वाटर। कई बार आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम अगर कुछ लोग पढ़ चुके हैं तो दे विल गेट टू नो कि मोलारिटी ऑफ वाटर निकालने बोलते हैं, कुछ डालते नहीं है वाटर में, ना कोई सॉल्यूट होता है ना कुछ होता है, सिर्फ पानी होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर या मोलारिटी ऑफ वाटर निकालने बोलते हैं। तो जब हमें इस तरह से मोलारिटी ऑफ वाटर निकालने बोलेंगे तो हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, कैलक्यूलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर, है ना। अब इसमें भी ट्विस्ट लाया जा सकता है, ट्विस्ट वाली बात बाद में करूंगी, पहले सिंपल बात कर देती हूँ। अब मोलारिटी ऑफ वाटर मुझे बोला है, मुझे और कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, मुझे सिर्फ बोला है मोलारिटी निकालो पानी की, तो भाई मुझे मास नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, कैसे निकाल लूँ। तो सिंपल मुझे डेंसिटी पता होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में डेंसिटी होता है 1 g/mL, सबको पता है इसका ही मतलब क्या है, 1 g/mL, ठीक है ना, 1 g/mL यानी अगर मैं मास ले लूँ 1 g तो वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 1 mL, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा 1 mL, तो इस तरीके से 1 mL का मतलब मिलीलीटर, अब इसको लीटर में करना पड़ेगा, लीटर में करना पड़ेगा यानी कितना आ जाएगा, 10⁻³ लीटर, और मास आ जाएगा 1 g, तो भाई सीधी सी बात है मैं मोल निकाल सकती हूँ इससे, मोल क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, मोल निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, आप मोलारिटी निकाल सकते हो। मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है भाई भाई मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, अभी बताया मोल कितना आया था, मोल आया था मेरा 1/18, और वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम आया था मेरा 10⁻³ लीटर, 10⁻³ ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 10⁻³ + 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा ऊपर 1000 × 18, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मोलारिटी आएगी 55.55। बहुत सारी जगह बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं यार पानी की मोलारिटी 55.55 होती है, रट लो रट लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, डेंसिटी सबको पता होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर आपको कोई दूसरा डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप डेंसिटी 1 g/mL ले लें और उससे कैलकुलेट कर लें मोलारिटी पर। अगर आपको डेंसिटी कुछ और दी हुई है, ठीक है, अगर मैंने डेंसिटी चेंज कर दी तो डेंसिटी चेंज करते ही बच्चों यहाँ पे मोलारिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में आपको फंसाना है, ठीक है ना, अगर कोई टीचर जिसने पेपर बनाया वो अगर क्वेश्चन में आपको फंसाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दे देगा, मान लो मैंने 0.5 g/mL दे दिया, तो भाई 0.5 g/mL देते ही कहानी चेंज हो जाएगी, मोलारिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो रट के बैठे हैं कि पानी की मोलारिटी 55.55 होती है, वो ये समझ लें कि गड़बड़ कर दोगे, रटने से गड़बड़ कर दोगे, सीख लो। कैसे सीखोगे, तो डेंसिटी 1 g/mL लेके मास ले लो, वॉल्यूम ले लो, ठीक है ना, उसके बाद मास और वॉल्यूम से मोल निकाल लो और फिर मोलारिटी निकालो, क्योंकि ये मोलारिटी सिर्फ तब वैलिड है जब डेंसिटी 1 g/mL होगी, अगर डेंसिटी बदलेगी तो मोलारिटी भी बदल जाएगी,
ये समझ लें, ठीक है. सो डेंसिटी बदलेगी तो मोलैरिटी कैसे बदल जाएगी वो मैंने सिखा दिया है आपको अभी, ठीक है. मान लीजिए डेंसिटी 0.5 ली है तो फिर मोलैरिटी क्या होगी, कैलकुलेट करें आप लोग, खुद कैलकुलेट करें. कैलकुलेट द सॉरी मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है ना. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.5 ग्राम पर ml. सो इसको कैलकुलेट करें और कमेंट करके मुझे आंसर बताएं, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. वैसे सॉल्व तो मैंने ऊपर करके दिखाया है, जैसे आप 1 ग्राम पर ml के लिए करेंगे वैसे ही आप 0.5 के लिए भी सॉल्व करें. आंसर जो आएगा मुझे बताएं कमेंट करके, ठीक है ना. सो ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं चलती हूँ आगे की तरफ, आगे जहाँ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें आयंस की मोलारिटी कैलकुलेट करनी होगी. उसके बाद मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे कुछ. सो अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं हम लोग जहाँ आयंस की मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी. देखते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ H प्लस आयंस इन 200 ml वन मोलर HCl solution, ठीक है. क्या लिया है मैंने, 200 ml लिया है, 1 मोलर लिया है, HCl solution लिया है. अब सभी को पता है भाई HCl जो है, HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. पानी में डालते ही क्या हो जाएगा, पानी में डालते ही HCl टूट जाएगा. अब 12th में आ गए हो तो इतना तो पता ही होगा कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. सो H प्लस और Cl माइनस में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा जो होती है इसकी 100% होती है. अल्फा 100% होती है तो जितना भी HCl डालूंगी, जितने भी मोल HCl डालूंगी, पूरे के पूरे मोल डिसोसिएट हो जाएंगे, और जितने मोल HCl डालूंगी उतने ही मोल H प्लस मिलेंगे और उतने ही मोल Cl माइनस मिलेंगे, क्योंकि स्टाइशोमेट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना. तो स्टाइशोमेट्री यहाँ पर सेम है, एक मोल HCl टूटकर एक मोल H प्लस और एक मोल Cl माइनस बनाता है. तो जितने मोल HCl डालूंगी उतने ही मोल H प्लस और Cl माइनस यहाँ पे तैयार हो जाएंगे. कुछ भी नहीं किया है मैंने, बेसिक मोल मोल एनालिसिस में यहाँ पे करने वाली हूँ. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए होंगे HCl के मोल. तो भाई साहब HCl के मोल क्या होगा, HCl की मोलैरिटी इंटू HCl का वॉल्यूम, क्योंकि मोल क्या होता है यहाँ पे, मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है. मोलैरिटी कितनी है देखो जरा, 1 दी हुई है. वॉल्यूम कितना दिया, लीटर में लोगे वॉल्यूम तो वॉल्यूम है 200 ml यानी ही 0.2 liter. सो मोल कितना आ गया, 0.2 mole आ गया. अब कर लो स्टाइशोमेट्री से मोल मोल कंपैरिजन की, एक मोल HCl के लिए कितना होता है, एक मोल H प्लस होता है. तो जहां एक मोल HCl के लिए एक मोल H प्लस होता है, वहीं 0.2 mole HCl के लिए 0.2 mole H प्लस आ जाएगा. अच्छा, मैं आपको यहाँ केवल Cl माइनस सॉरी H प्लस आयन की मोलारिटी क्यों, मैं आपको फिर यहाँ पे Cl माइनस आयन्स की भी पूछ सकती थी अलग से. मैं बोलूँगी दोनों की निकाल के दिखाओ, ठीक है, दोनों की निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई. एक मोल HCl के लिए वहीं कितने मोल Cl माइनस बनते हैं, एक मोल. तो 0.2 के लिए कितना बन जाएगा, सिंपल है 0.2. अब जहाँ दोनों के मोल निकल गए, वॉल्यूम तो पता ही है. अब आप बोलोगे कि मैम टोटल मेरे पास डब्बा है, टोटल डब्बे में मेरे पास 200 ml HCl है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 100 ml में H प्लस घूमेगा और 100 ml में Cl माइनस घूमेगा, Cl माइनस बोलेगा अरे मेरा इलाका आना नहीं, ऐसा तो होने नहीं वाला, ठीक है ना. पूरे 200 ml में हर जगह मुझे Cl माइनस भी मिलने वाला है और हर जगह मुझे H प्लस भी मिलने वाला है, यानी वॉल्यूम ऑफ H प्लस भी 200 ml रहने वाला है और वॉल्यूम ऑफ Cl माइनस भी 200 ml, यानी ये भी पूरे इसमें घूमेगा और ये भी पूरे इसमें घूमेगा. तो अगर मैं मोलैरिटी निकालने जाऊँ H प्लस की, कहीं कहीं जगह पर उसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, H प्लस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का मतलब होता है मोलैरिटी ऑफ H प्लस, ठीक है ना. तो वो हो जाएगा बेटा मोल ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम, एंड मोल ऑफ H प्लस कितना आया था देखो, 0.2
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आया था, लीटर में लेंगे 0.2, तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 1 मोलर। सिमिलरली अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस निकालने बोलूँ तो आएगा मोल ऑफ सी एल माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम, फिर वो आ जाएगा मोल 0.2, वॉल्यूम फिर से आएगा 0.2 और फिर से मोलारिटी आएगी 1 मोलर। इससे मैं सिंपल ये कह सकती हूँ कि अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। तो कंप्लीट जब डिसोसिएट होगा तो आप सीधा सीधा यहाँ से ही निकाल सकते हो क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो भाई साहब इसकी स्टाइशोमेट्री को कंपेयर करके आप उसकी मोलारिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर स्टाइशोमेट्री सेम है तो मोलारिटी भी सेम रहेगी, ठीक है ना, और अगर स्टाइशोमेट्री अलग है तो मोलारिटी भी अलग हो जाएगी, उस तरीके से रेशो में आ जाएगी मोलारिटी। और भी केसेस इसमें आ सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी केस आ सकता है, या फिर ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें हमने दो डिफरेंट एसिड्स को मिलाया हो, हमने मान लो HCl को H2SO4 से मिला दिया हो, तो इन दैट केस हम कैसे निकालेंगे। तो वैसा भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करते हैं, जहां हम डिफरेंट एसिड्स को मिलाएंगे या जहां हम डिफरेंट सॉल्ट्स को मिलाएंगे, या फिर ऐसा केस जिसमें एक ही सॉल्ट के अंदर मल्टीपल आयंस होंगे, ठीक है ना, उस तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसा होता है कि हम जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें उतने ही ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारी आंखों के सामने से जाएंगे, और जितने ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस से हम डील करेंगे चीज़ें हमारे लिए उतनी ही क्लियर होंगी, उतनी ही आसान होंगी। सो बात करते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन की, कैलक्यूलेट द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन resulting from the following mixture। देखो मैंने एक मिक्सचर बनाया है, किस किस चीज का मिक्सचर बनाया है देखेंगे, 100 ml of 0.1 molar HCl को मैंने मिला दिया है, 500 ml ऑफ 0.5 molar H2SO4 से, और इसको मैंने फिर मिलाया है 400 ml ऑफ 0.1 molar H3PO4 से। आहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखेंगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं इसको, है ना, तीन एसिड्स हैं जिन्हें मैंने मिक्स किया हुआ है, और ये तीनों एसिड्स जो हैं, H3PO4 नहीं लेती मैं यहाँ क्योंकि वो वीक है, H3A ले लेती हूँ, ठीक है ना, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ही मान के चलते हैं उसको, तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में फिर अल्फा आ जाएगा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली कहानी आ जाएगी, फिर थोड़ी चीज़ें वहाँ पे और अलग हो जाएंगी, तो अभी हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड ही मान के चलेंगे। वैसे भी जब तक आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ना दिया हो आपको चीज़ों को स्ट्रॉन्ग ही मान के चलना है। तो यहाँ पे मैंने तीन एसिड्स हैं और तीनों एसिड्स जो हैं डिसोसिएट होने वाले हैं, और तीनों एसिड डिसोसिएट होकर मुझे एच प्लस देने वाले हैं, तो फाइनल मेरे पास डब्बे के अंदर कितना एच प्लस रहेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले तीनों को तोड़ने की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, फिर वही करना होगा, तीनों से मोल निकालने होंगे और फिर तीनों के H प्लस के मोल निकाल कर सबको सम करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले HCl को तोड़ते हैं, बनाते हैं H प्लस Cl माइनस, फिर हम तोड़ते हैं किसको, हमारे H2SO4 को, उससे बनाते हैं हमारा H प्लस और सल्फेट। अब यहाँ से दो H प्लस मिलने वाले हैं, सो उसके स्टाइशोमेट्री जो है वो 2 हो जाएगी। फिर हमारे H3A को तोड़ते हैं बेटा और बनाते हैं 3H प्लस और A 3 माइनस। आई होप आप लोगों को ये इस तरीके से तोड़ते आती होगी, डिसोसिएशन करना आता होगा। फिर HCl के मोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो HCl का मोल होता है HCl की मोलारिटी इंटू HCl का वॉल्यूम। HCl की मोलारिटी यहाँ से उठाऊंगी आएगी 0.1, HCl का वॉल्यूम आएगा 0.1, सो मोल आ जाएगा 0.01, किसका आया, HCl का।
मोल मोल एनालिसिस करूंगी तो इसके एक मोल के लिए इसका एक एच प्लस मिलता है, तो इसके जितने मोल रहेंगे इसका उतना ही मिलेगा, यानी अगर इसका 0.01 मोल है तो जो मोल एच प्लस के एच सी एल से प्रकट होंगे वो भी होंगे 0.01। मोल मोल एनालिसिस किया, स्टाइशोमेट्री कंपेयर किया है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। सिमिलरली H2SO4 के अगर मोल की बात करूं, वो भी होगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। H2SO4 की मोलारिटी दी हुई है मुझे 0.5, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, यानी आधा लीटर, यानी 0.5 लीटर। 0.5 विल कम आउट टू बी 0.25 मोल है बेटा मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके एक मोल के लिए इसके दो मोल प्रकट होते हैं, यानी डबल हो रहा है, जितना भी H2SO4 रहेगा उसका डबल H प्लस आने वाला है। तो अगर मेरे पास 0.25 मोल H प्लस है तो इसके H प्लस आएगा 0.5, यानी जो H2SO4 से निकलने वाला है H प्लस वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है 0.5। सिमिलरली अगर मेरा थर्ड एसिड जो है, जो कि H3A है, उसको अगर मैं लूँ तो फिर उसकी मोल आ जाएगा, उसकी मोलारिटी इनटू उसका वॉल्यूम। मोलारिटी, आई होप आपको चीज़ें विजिबल होगी, कैमरा मैन, ओके। सो मोलारिटी इज 0.1, ओके 0.1, वॉल्यूम विल बी 0.4, अगर मैं इसका देखूं तो इट विल बी 0.04, ठीक है। फिर इसके 1 के लिए इसका यहाँ पे 3 मिलता है, तो इसके 0.04 के लिए मिलेगा 0.04 इंटू 3 विच विल कम आउट टू बी 0.12। सो H3A से जो H प्लस मिलेगा इट विल बी 0.12। सो अब मेरे पास ये तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें जो है ये एक डब्बे के अंदर हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे H प्लस जो मुझे इस पूरे कंटेनर के अंदर मिले हुए हैं, अगर मैं टोटल मोल निकालूं किसका, H प्लस का, तो वो आ जाएगा वो वाला H प्लस जो HCl से मिला है, कितना मिला है देखो ज़रा, 0.01, प्लस वो वाला H प्लस जो H2SO4 से मिला है, कितना मिला है बेटा 0.50, प्लस वो वाला H प्लस जो H3A से मिला है विच इज 0.12। सो इसे अगर मैं सम करूंगी तो मुझे मिलेगा टोटल मोल ऑफ H प्लस, और इसका सम आने वाला है 2 और 1 3, 5 और 1 6, 0.63। दिस विल बी द टोटल मोल, 0.63, दिस विल बी द टोटल मोल जो कि मुझे कंटेनर के अंदर मिलने वाला है तीनों एसिड्स के द्वारा। अब मुझे तो टोटल मोल नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए थी, मुझे चाहिए थी टोटल मोलारिटी। सो टोटल मोलारिटी कैसे निकल पाएगी, टोटल मोलारिटी निकल पाएगी, सिंपल है। टोटल मोलारिटी ऑफ H प्लस क्या होता है बेटा, टोटल मोल ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो ये भी ला रहा है, ये भी ला रहा है और ये भी ला रहा है, तो वॉल्यूम तो एक्चुअली तीनों बढ़ाएंगे। तो वॉल्यूम जब तीनों बढ़ाएंगे तो क्या करना होगा, मुझे तीनों के वॉल्यूम का सम करना होगा। पहले तो मोल ले लो, कितना आ जाएगा 0.63 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, देखो कितना आया, 100 + 500 + 400 ml, यानी आया कितना 0.63 डिवाइडेड बाय 1000 ml। पर मुझे ml में तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लीटर में, तो 1000 ml, यानी देखो मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने पहले ही क्वेश्चन देते हुए ऐसा दिया था नंबर कि आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं उलझना पड़े। तो इट विल बी 0.63 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। सो मोलारिटी ऑफ H प्लस यानी ही टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल कम आउट टू बी 0.63 मोलर, इतना मोलर H प्लस तीनों एसिड मिलकर मुझे देने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन जिसमें हमने एसिड्स से निकलने वाले H प्लस की मोलारिटी कैलकुलेट की। हम चाहें तो इस Cl- की मोलारिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो Cl- का मोल कितना हो जाएगा, उसमें कोई और तो दे नहीं रहा है Cl-, सिर्फ ये ही दे रहा है, कितना दे रहा है, तो एक के लिए एक दे रहा है, तो 0.01 के लिए 0.01 देगा। पर इसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको टोटल वॉल्यूम से, क्योंकि Cl- तो अब टोटल वॉल्यूम में रहने वाला है, ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ इसके द्वारा दिए गए वॉल्यूम में रहेगा, नहीं। जब हम तीनों को एक कंटेनर में मिक्स कर देंगे तो Cl- पूरे एक लीटर जो सोल्यूशन बनेगा उसमें घूमेगा, उसमें उधम मचाएगा, ठीक है। सो इसका जब मैं मोलारिटी निकालूं तो टोटल वॉल्यूम मुझे पूरे इसका ही लेना पड़ेगा, कंटेनर का ही लेना पड़ेगा, विच इज 1 लीटर। वैसे ही आप चाहो तो सल्फेट का निकाल सकते हो मोलारिटी, सल्फेट का मोलारिटी हो जाएगा सल्फेट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वैसे ही इसके केस में भी निकाल सकते हो। तो एक बार अगर आपको डिसोसिएशन करना आ गया, मोल को कंपेयर करना आ गया, तो उसके बाद आप सारा का सारा आयन्स जो वहां पे बनने वाला है
किसी भी आयन की मोलारिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी मोलारिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव के अंदर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कैलकुलेशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आते हैं बच्चों। सो इसको बहुत ध्यान से देख लें, सॉल्व कर लें। कोई चीज़ नहीं समझी हो तो कमेंट करके पूछें, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो नेक्स्ट एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बहुत वर्सेटाइल टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स पे बन सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूट्रलाइजेशन शब्द सभी ने सुना होगा, न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर भी मोलैरिटी का यूज़ किया जाता है, और वो जो यूज़ करेंगे उसमें भी जो कल मैंने केसेस सिखाए उसी में से एक केस का यूज़ होगा। देखना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि अरे ये क्या हो गया। सो बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन। फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलार HCl रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 0.4 मोलर 40 ml NaOH सॉल्यूशन अगर मेरे बच्चे ये वीडियो देखें तो प्लीज़ इसे इस जगह पर पॉज करें और खुद सॉल्व करें। आई नो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इस चीज़ को, मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मैं वापस बताती हूँ, सॉल्व करके देखो, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर भी सिंपल मोलारिटी का यूज़ होने वाला है, मोलारिटी और वॉल्यूम का यूज़ होने वाला है, मोल का यूज़ होने वाला है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप बड़ा डर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ना बच्चों के अंदर एक ऐसा अजीब सा डर आ जाता है ये न्यूट्रलाइज यूट्रलाइज टाइप के, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन ऐसे जो बड़े भारी शब्द होते हैं, फैंसी वर्ड्स होते हैं, इन लोगों को इन शब्दों को लेकर बच्चों के मन में बड़ा डर आ जाता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, कॉमन सेंस है एक्चुअली। देखो अगर एक बेस बताऊँ इसका, तो हमेशा ना एसिड का दुश्मन है बेस। एसिड्स और बेसेस बड़े भारी दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। एक मतलब दो डिफरेंट क्या बोलते हैं चीज़ें हैं वो। एसिड हमेशा मारना चाहेगा बेस को और बेस हमेशा मारना चाहेगा एसिड को, ठीक है। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे को मारना चाहेंगे तो बस उसी मारने को, उसी युद्ध को, उसी लड़ाई को न्यूट्रलाइजेशन या टाइट्रेशन कहते हैं, इतना समझ लो। अब अगर मैं देखूं कि भाई मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ एसिड लिया हुआ है और कुछ अमाउंट ऑफ बेस भी लिया हुआ है, तो सीधी सी बात है एसिड को मारने के लिए जो बेस की ताकत है, जब तक दोनों की ताकत इक्वल नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो मार नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे यहाँ एसिड और बेस को इक्वल क्वांटिटी में लाना होगा, तभी तो वो जो है न्यूट्रलाइज कर पाएगा या मार पाएगा एसिड बेस को, ठीक है ना। सो यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी का मतलब होता है इक्वल इक्विवेलेंस का होना। एक नए शब्द का उपयोग कर रही हूँ, इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस बेसिकली करेक्ट टर्म जो यहाँ पे मुझे यूज करना चाहिए वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट यहाँ पर इक्विवेलेंट का यूज नहीं होने वाला है, यहाँ पर मोल का यूज होने वाला है। अगर आप लोगों ने मोल वन और मोल टू जैसे दो मोल के जो हैं जो दो पार्ट्स होते हैं, कुछ हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं, कुछ 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर अगर आप लोगों को या एन फैक्टर अगर आप लोगों को पता हो, तो मोल और इक्विवेलेंट का रिलेशन आप लोग फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है। वेल, मैं ज़्यादा डेप्थ में मोल टू या इक्विवेलेंट्स के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाऊंगी, मैं यहाँ पर अभी सिंपल एक मोल को लेकर ही बात करूंगी कि मुझे यहां पर इन दोनों ही चीजों का मोल इक्वल करना पड़ेगा। जब तक मैं मोल इक्वल नहीं करूंगी तब तक
वो न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा. ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो बोल रखा है कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, यानी मुझे पूरा बेस मारना है. तो पूरा बेस मारने के लिए क्या चाहिए होगा, जितना बेस है उतना ही एसिड चाहिए होगा. यानी मैं ऐसा कहूँगी कि भाई जितना मोल ऑफ HCl है मेरे पास उतना ही बेस ऑफ NaOH होना चाहिए, उतना ही मोल ऑफ NaOH होना चाहिए. जितना मोल ऑफ एसिड है उतना ही मोल ऑफ बेस होना चाहिए. जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी केवल उसी समय मैं कहूंगी कि भाई कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन आ गई है. ठीक है ना, इसको ही लोग ऐसा भी लिखते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट्स पता है तो जाएं यहाँ, अगर नहीं पता है तो इस वाली कंडीशन से भी चीज़ें फुलफिल हो जाएगी. क्यों फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि बेटा इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता, इक्विवेलेंट HCl का मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl होता है. और इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होता है, तो वो होता है मोल ऑफ NaOH मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH. और खुशी की बात यह है, चालाकी की बात यह है कि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है जहाँ HCl का वैलेंसी फैक्टर आपको 1 मिलेगा और NaOH का भी वैलेंसी फैक्टर 1 मिलेगा. तो अगर आप ऐसा करोगे तो मोल यहाँ पे वैसे भी आपके इक्वेट हो जाने वाले हैं. तो इसीलिए मैंने कहा था कि देखो बच्चों, जिन्हें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पता है वो ही इस पे जाएं, जिन्हें नहीं पता उनको इस वाली चीज़ पे भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिगर आउट हो जाएगा. ये वाले कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा लेंगे, आप कर पाएंगे, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर एसिड और बेस यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों के ही 1 है. वैलेंसी फैक्टर पे ज़्यादा डेप्थ में मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, ठीक है ना. सो अब मोल अगर मैं इक्वेट करने जाऊं तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मोल वैसे तो निकालने के मेरे बहुत तरीके होते हैं. मास से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके मोल निकालने के. बट यहाँ मैं जिस तरीके से डील कर रही हूँ वो क्या है, वो है मेरा मोलारिटी और वो है वॉल्यूम. तो सीधी सी बात है, मोलारिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी ऑफ HCl, मोलारिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ NaOH मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH. सिंपल सी बात है. अब मोलारिटी ऑफ HCl क्या दिया हुआ है मुझे, 0.2 दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ HCl क्या दिया हुआ है, ढूंढो ढूंढो. ओ, वॉल्यूम ऑफ HCl मुझे निकालना है. और मोलारिटी ऑफ NaOH क्या दिया हुआ है देखेंगे, जिस 0.4 मोलर. और वॉल्यूम आप चाहे तो ml में ले लें, चाहे तो लीटर में ले लें, जो भी रहेगा वॉल्यूम ही निकालना है. अगर लीटर में लेंगे तो निकलेगा भी लीटर में, ml में लेंगे तो निकलेगा भी ml में, ठीक है ना. सो 40 ले लेती हूँ मैं ml, सो इट विल बी मोलर मोलर कैंसिल हो गया, 0.21 जा, 0.22 जा, 240 जा, 80 आ जाएगा. सो वॉल्यूम HCl विल कम आउट टू बी 80 ml. सो इसी का मतलब ये है कि इस मोलारिटी के इतने वॉल्यूम NaOH को पूरा मारने के लिए मुझे इस मोलारिटी का 80 ml HCl कम से कम लगेगा, ठीक है. सो इस तरीके से हम जो हैं इस तरह के क्वेश्चंस को फिगर आउट कर सकते हैं. इसके बाद और भी तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना. सो इसके बाद और भी तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मिक्सचर, जो मैं मिक्सचर की बात कर रही थी, ज़्यादा नहीं, एक और क्वेश्चन बस मैं लूँगी यहाँ पर, क्योंकि फिर आगे भी हमें मोलालिटी वगैरह के बारे में भी डील करना है, मोलालिटी पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव एक्चुअली स्टार्ट भी करना है. जान करके खुशी होगी आप लोगों को, 3 वीडियोस में बना चुकी हूँ बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट नहीं कर पाई अब तक, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया है. मैं बता दूँ, ये जो वीडियो मैं यहाँ बना रही हूँ ये बहुत ज़्यादा 11th टू 12th मूविंग बच्चों के तो काम का है ही, बट जो लोग 10th से 11th में जा रहे हैं ये उनके भी काम का है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना. और मोल वगैरह तो ऑलरेडी बच्चे 10th और 9th में ही पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड ही चीज़ें हैं ये. तो खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक कंटेनर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, यूरिया सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है या ग्लूकोज सोल्यूशन ले लो जो भी. इसकी मोलारिटी जो है 0.5 है, ठीक है. इसका वॉल्यूम जो है 500 ml ले लेती हूँ मैं यहाँ पर. इसको मैं मिक्स करने वाली हूँ एक और दूसरे सोल्यूशन के साथ,
और इस सॉल्यूशन का इसके अंदर भी मैंने यूरिया सॉल्यूशन ही लिया हुआ है. सॉल्यूट आप बदल सकते हैं बट मैं यहाँ पे नहीं बदल रही टू कीप इट टू कीप थिंग्स सिंपल. सॉल्यूट बदल भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा तब तक चेंज नहीं आएगा पैटर्न में क्वेश्चन में जब तक कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अगर आप यूरिया देखें तो यूरिया टूटेगा नहीं, वो डिसोसिएट नहीं होता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों ही कंटेनर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट चीज़ें लेती हूँ तो पैटर्न सेम ही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का. अगर मैं दोनों में इलेक्ट्रोलाइट लेती हूँ तो मैंने जो अभी आपको सॉल्व करके बताया था वो HClH2SO4 वाला जो डिसोसिएट हो जाता है, आप उस पैटर्न से कर सकते हो सॉल्व. ठीक है, सो यहाँ पे फिर मैंने मोलारिटी ले ली है, इसको मैं M2 बोल देती हूँ, इसको मैं कंटेनर 1 बोल देती हूँ, इसको कंटेनर 2 बोल देती हूँ, इसको V1 बोल देती हूँ. M2 मान के चलो है 0.3 मोलर, V2 मान के चलो मैं 500 ml ही ले लेती हूँ. ठीक है, इन दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है एक बड़े कंटेनर में. इस कंटेनर को मैं M3 बोल देती हूँ या M फाइनल, मुझे इसका कैलकुलेट करना है. ठीक है ना, फाइनल मोलारिटी मुझे इसकी कैलकुलेट करनी है. कल ही बताया था मैंने आपको, कल ही मैंने ये केस ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि जब भी मैं दो कंटेनर्स के सॉल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाती हूँ, मैंने इसका एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी डेराइव करके दिया हुआ है. सीधे सीधे आप एम फाइनल निकाल सकते हो विच इज़ M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2. ये दे देता है आपको फाइनल मोल और ये दे देता है आपको फाइनल वॉल्यूम. फाइनल मोल और फाइनल वॉल्यूम के रेशो से आपको मिल जाएगी फाइनल मोलारिटी. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, आपको सब चीज़ें दी हुई है, आप बस वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट करें. M1 की अगर बात करूं सो इट इज़ 0.5. V1 आप अगर ml में ऊपर ले रहे हैं तो नीचे भी ml में लें, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहा है, इसीलिए यूनिट हर जगह दोनों जगह सेम लें. ऐसा नहीं करना है कि ऊपर ml में ले लिया मस्ती से नीचे लीटर में ले लिया या ऊपर लीटर में लिया नीचे, नहीं. अगर ऊपर ml ले रहे हैं तो नीचे भी ml लेंगे, ऊपर लीटर ले रहे हैं तो नीचे भी लीटर लेंगे. तो वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो लीटर में ही ले लेंगे 0.5 प्लस M2 कितना दिया हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई बाय अगेन 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दोनों तरफ 0.5 प्लस 0.5. सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा, 5 और 5 25 आ जाएगा 0.25 प्लस 5 3 15.15 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1. ठीक है, सो ये आ जाएगा तुम्हारा 40. ओके, 4, सो 0.4 बाय 1 यानी फाइनल मोलारिटी जो निकल के आने वाली है दैट विल बी 0.4 मोलर. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के इस तरह की क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस दिए हों और आप उनकी फाइनल मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी. ठीक है, इसके बाद मोलारिटी सिखाऊंगी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना सिखाऊंगी, जो कि कंक्लूजन होगा हमारे इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाले पार्ट का. फिर हम सीधा स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टे सेफ, घर पर ही रहें, ज़्यादा बाहर ना घूमें. सो थैंक यू.